आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चन इज इफ ए डिनोट्स डिवीजन, बी डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, सी डिनोट्स प्लस एंड डी डिनोट्स माइनस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, दैट इज यहाँ पर ए किसको डिनोट कर रहा है, डिवीजन को, बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, सी डिनोट कर रहा है एडिशन को एंड डी डिनोट कर रहा है माइनस को, ओके मीन्स सब्सट्रैक्शन को। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होंगी। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज फॉर ए। सो अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन करें, दैट इज एल वन, बी इज इंटू 34, ए क्या है डिवीजन है, ठीक है डिवीजन 17, ओके डी क्या है सब्सट्रैक्शन, ए ओके ए अगेन क्या है डिवीजन है और यहाँ पर 3 है। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सो बिफोर ऑफ दैट अगर आपको डिवीजन मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस अगर ऐसा कोई ऑपरेशन गिवन है किसी स्टेटमेंट के लिए, सो उसके लिए सबसे पहले हमें बॉड मास रूल यूज करना होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रायोरिटी चेक करनी होगी। सो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन गिवन है, सो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन है किसको, डिवीजन को, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है मल्टीप्लीकेशन को, थर्ड प्रायोरिटी है सब्सट्रैक्शन को और फोर्थ प्रायोरिटी है किसको, एडिशन को। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो चलिए इसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑपरेशन करते। सो यहाँ पर हम अगर डिवीजन कर ले, सो ये क्या हो जाएंगे 17 टू ज हाउ मच 34 हो जाएंगे, तो फिर 11 टू ज हाउ मच इट विल बिकम 22 माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं यहाँ पर 8 का डिवीजन कर दूँ 3 से और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 22 माइनस ऑफ 8 बाय 3, सो ये क्या हो जाएगा 66 माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3, सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 58 बाय 3। ना अगर हम यहाँ पर आंसर चेक करें सो ये 38 बाय 3 आ रहा है, इसीलिए ए क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ना लेट्स चेक द बी वन, ओके अगर हम बी को चेक करें, सो लेट्स सी फॉर द बी। सो सबसे पहले यहाँ पर 6, बी डिनोट करता है मल्टीप्लीकेशन को, फिर 18 विल बी एज इट इज, डी है सब्सट्रैक्शन 26, ए अगेन डिवीजन को डिनोट कर रहा है 13 और सी किसको डिनोट कर रहा है प्लस को। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे, सो यहाँ से 13 टू से क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है उसी के साथ साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 18, ओके ये क्या हो जाएगा 108, ओके माइनस ऑफ 2 प्लस 7। अब हम यहाँ पर पहले सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन के बाद मुझे क्या मिल जाएगा 106 प्लस 7। अब यहाँ पर मैं एडिशन करूँगा तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा 113। नाउ लेट्स चेक हियर, सो एक्चुअली यहाँ पर 173 बाय 13 गिवन है, सो बी भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। नाउ लेट्स चेक फॉर द थर्ड वन, दैट इज फॉर सी। सो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है 32 गिवन है, फिर सी क्या है प्लस है, ओके देन 8 गिवन है, फिर ए क्या हो गया डिवीजन हो गया, यहाँ पर फिर 16 गिवन है, डी क्या होगा सब्सट्रैक्शन हो गया एंड देन 4। सो लेट्स चेक दिस ऑपरेशन, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, सो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 8 डिवाइड बाय 16 ये तो 0.5 हो गया, सो ये हो जाएगा 32 प्लस 0.5 माइनस 4। अब यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन पहले करेंगे, सो ये हो जाएगा 28 प्लस 0.5, ओके सो 28 प्लस 0.5 ये किसके इक्वल हो जाएगा सिंपली, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 के इक्वल। नाउ लेट्स चेक द आंसर हियर, सो यहाँ पर तो माइनस 3/4 गिवन है, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारे पास कौन सा, डी,
सो चलिए उसे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर है 9, सी है मतलब कि प्लस हो जाएगा, फिर अगेन 9 है, फिर ए है मतलब कि डिवाइड हो जाएगा, फिर 9, फिर डी है यहाँ पर। ओके, दिस इज कैपिटल डी एक्चुअली। सो कैपिटल डी का क्या डिनोट कर रहा है, सब्सट्रैक्शन को। फिर अगेन 9 है, फिर बी है, सो बी के लिए क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन है, और लास्ट में क्या है, 9 है। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन कर देते, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सो ये 9 से 9 कट जाएगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 माइनस 9 इंटू 9। अब यहाँ पर फिर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस ऑफ 81। अब उसके बाद हम पहले सब्सट्रैक्शन कर देंगे, सो ये हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 80, एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन सब्सट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। सो माइनस ऑफ 80 प्लस 9, सो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 71। सो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट आंसर हियर। ओके, ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।